ओम शांति। 27/3/2019 साकार महावाक्य। मधुर संतान गण, वर्तमान तुमर बानप्रस्त अवस्था, कारण एबे तुमको बाणी ठारु ऊर्ध को जिबाकु हेबो, सेथिपाई जोगजुक्त रही पवित्र हुआ। प्रश्न, उच्च लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पाई हेले केऊं कथा प्रति विशेष ध्यान देबाकु हेबो? उत्तर, दृष्टि उपरे विशेष ध्यान देबाकु हेबो, कारण यह बहुत धोखाबाज अटे। विकारी दृष्टि बहुत क्षति करि थाए, सेथिपाई जेते दूर संभव निजकु आत्मा मने करि बाबांकु मने पकाओ। समस्तंकु आत्मा भाई भाई दृष्टि रे देखिबार अभ्यास कर। सकालु सकालु उठी एकांतरे बसि निजे निज सहित कथाबार्ता कर। भगवानकर आज्ञा हला मधुर संतान माने, काम महाशत्रु ता प्रति सावधान रुह। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने सब किछि बुझी जाइछन्ति, कारण जे माने बुझी पारिबे सेई माने ही एठाकु आसिबे। एठारे कौनसे मनुष्य पाठ पढ़ाऊ नाहंती, एठारे स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ती। तेबे भगवानकर मध्य परिचय दरकार। तांकर नाम केते उच्च, भगवान, किंतु तांकु पुणि नाम रूपरु भिन्न बोली कहि देउछन्ती। वास्तवरे सीए हेउछन्ती नियारा, बहुत सूक्ष्म बिंदु। कहउछन्ती आत्मा मध्य सूक्ष्म तारका सदृश, किंतु तारका तो एते छोट नुहे, आत्मा तो वास्तवरे बहुत सूक्ष्म। बाबा मध्य बिंदु सदृश अटंते, किंतु बाबा सदा पवित्र अटंते। तांकर महिमा हेउछि ज्ञानर सागर, गुणर सागर, शांतिर सागर। एथिरे संशयर कौनसी कथा ही नाही। मुख्य कथा हैला पवित्रता। तेबे एही विकार पाई केते कलह सृष्टि हेउछि, जहाँ किछि भी अतीत होइ जाइछि, विघ्न इत्यादि सृष्टि होइछि, ताहा कौनसी नुआ कथा नुहे। अबला मानंक उपरे अत्याचार हेबार ही अछि। अन्य सत्संग मानंकरे एभली कथा होइ न थाए। एठारे खास पवित्रता पाई ही गंडगोल हेउछि। बाबा पवित्र करिबा पाई ही आसुछंती, तेनु केते गंडगोल हेउछि। बाबा एठाकु आसी पाठ पढ़ाउछंती, कहउछंती मु बानप्रस्थ अवस्थारे ही आसी थाए। बानप्रस्थर कायदा मध्य एही संगम जुगरु आरंभ हेउछि। तेबे निश्चित भावरे बानप्रस्थी माने बाणी ठारु ऊर्धरे ही रहिबे, एवं बाणीरु ऊर्ध को जिबा पाई हेले बाबांकु पूरा पूरा जोग करि पवित्र रहिबाकु हेबो। पवित्र हेबार उपाय केवल गोटिए, घरकु फेरिबा पाई हेले पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। पवित्र हेबार उपाय केवल गोटिए, घरकु जिबा पाई हेले तुमकु निजकु आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। घरकु त सबु आत्मा जिबे, केवल दुई चारि जन त जिबे नाही, सारा पतित दुनियार परिवर्तन होइजिबो। किंतु एही ड्रामा विषय रे काहाकु हेले जणा नाही। सत्ययुगरु आरंभ करी कलियुग पर्यंत एही ड्रामा चक्र चालीछि। बाबा कहउछन्ती निजकु आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो, एवं पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तेबे जाई तुमे शांतिधाम एवं सुखधाम को जाई पारिबो। गायन मध्य रहिछि, गति सद्गति दाता जणे ही अटंती। सत्ययुगरे बहुत कम संख्यक आत्मा रही थांती, जे माने कि संपूर्ण पवित्र होइथांती। कलियुगरे अनेक धर्म एवं समस्त आत्मा अपवित्र होइ जाइछंती। बाबा जानिछंती जे एथिपाई निश्चय झगड़ा हेबो। जदि बाबा जानि नथांते तेबे एभली उपाय काहे कि बाहर कले जे तुमे लौकिकरु चिट्ठी नै आस, मु ज्ञान अमृत पान करिबाकु जिबि। तेनु बाबा जानिछंती जे एपरि झगड़ा हेबा मध्य ड्रामा रे निर्धारित होइ रहिछि। आश्चर्य भावरे ज्ञान को जाने ज्ञान मार्ग रे चली अन्य मानंकु मध्य ज्ञान देई पुणी माया आड़कु टाणी हेइ जाउछंती, किंतु एसबु ड्रामा रे निर्धारित होइ रहिछि। एहाकु केही भी एड़ाई देई पारिबे नाही। मनुष्य एही भली शब्द केवल कहि देउछंती, किंतु किछि भी अर्थ को बुझु नाहंती। बाबा कहउछंती संतान माने, एहा बहुत उच्च पाठ पढ़ा, किंतु एही आखि एभली धोखाबाज अटे, न कहिले भल। एही दुनिया संपूर्ण तम प्रधान अटे। कलेज मानकरे विद्यार्थी माने केते खराब होई जाउछंती, विदेश कथा त न कहिले भल।
सत्ययुगरे एभली कथा रहिबरा हे किंतु मनुष्य माने सत्ययुग को लक्ष लक्ष वर्ष होइगलानी बोली कहि देउछंती। बाबा कहउछंती काली तुमको राजत्वर भाग्य देइथिली, तुमे सबु किछि एबे हराई बसिछ। समस्तंकु बाबांको संदेश देबाकु हेबो। बहुत भल भल संतान माने रिफ्रेश हेबा पई पंडा होई आसुछंती, अर्थात अन्य मानकु साथीरे मधुबन घर को नहीं आसुछंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। पुणी भी से माने आसीबे, एते सबु आसीछंती पुणी आगकु मध्य आसीबे। तेबे बाबांको संकल्प आसुछि जे जणा नाही एमानकु पुणी देखिबी कि नाही, एमाने समस्ते एही मार्गरे चली पारिबे कि नाही। एमिती तो बहुत आसीथिले किंतु आश्चर्य भावरे पळाई गले। पुणी बाबांको पत्र लेखुछंती, बाबा आमे तळकु खसी गलु। बाबा कहउछंती अरे करिथिबा आमदानी सबु शेष करि देल, पुणी एते उच्च तो आउ चढ़ी पारिबो नाही। एहा हेउछि सबुठारु बड़ अवज्ञा। दुनिया रे मनुष्य माने अध्यादेश जारी करुछंती, अमुक समय रे बाहर को बाहरिबो नाही नचेत गुली करि देबु। बाबा मध्य कहउछंती जदि विकारग्रस्त हेलो तेबे सबु समाप्त होइजिबो। भगवान कर आज्ञा हला खबरदार रुह। आजिकालि गैस इत्यादि रे एभली जिनिस बाहर करिछंती मनुष्य बसु बसु समाप्त होइजिबे। एई सबु ड्रामा रे निर्धारित होइ रहिछि, कारण शेष समय रे डाक्तरखाना आदि किछि भी रहिबो नाही। तुरंत आत्मा गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नै थाए, दुख कष्ट इत्यादि रु मुक्त हो जाए, किंतु सेठारे कौनसी कष्ट रहिबो नाही। आत्मा स्वतंत्र अटे। आयुष पूरा हो गेले आत्मा शरीर त्याग करि देबो। सेठारे काल नाही, सेठारे रावण ही नाही, तेनु काल केउठारु आसिबो? ये हेउछि रावणर दूत, भगवानकर नुहे। भगवानकर संतान माने तो बहुत स्नेही अटंती। बाबा केबे हेले संतान मानक दुख को सहन करि पारिबे नाही। ड्रामानुसार तीन भाग तुम्हें माने सुख भोग करुछ, बाबा तुमको एते सुख दौछंती, तेबे तुम्हें माने तांको श्रीमत अनुसार चलिबा उचित ना? एहा हेउछि तुमर अंतिम जन्म, तेनु बाबा कहउछंती एही अंतिम जन्म रे तुमको पवित्र हेबाकु पड़िबो। योग द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। तुम मुंड उपरे जन्म जन्मर पापर बोझ रहिछि, तुमको तम प्रधानरु सत प्रधान हेबाकु पड़िबो। बाबा हेउछंती सर्वशक्तिर अधिकारी। दुनिया रे जेउ माने शास्त्र इत्यादि पढ़ुछंती तांकु शास्त्रर अधिकारी कहिथांती, एबे बाबा कहउछंती सबुर अधिकारी हेउछि मु एही ब्रह्माक माध्यम रे समस्त शास्त्रर सारांश सुनाउछि। निजकु आत्मा मने करी मोते मने पकाओ, तेबे तुमर समस्त पाप धोई हेइ जिवो। बाकी पानी रे स्नान कले पवित्र किपरि हेबो? केउठी केउठी तो बहुत कम पानी थिबो, ताकु मध्य तीर्थस्थान भाबी स्नान करुछंती। एहा कोहि तम प्रधान निश्चय बोली कुहा जिवो। एहा हेउछि तुमर सत प्रधान निश्चय, बाबा बुझाउछंती। एथिरे डरिबार कोनोसी कथा नाही। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश। एक नंबर पॉइंट, भगवान पवित्र हेबा पई जो आदेश देइछंती तार केबे भी अवज्ञा करिबा उचित रुहे। बहुत बहुत सावधान रहिबाकु हेबो। बाप दादा उभयंकर पालनार प्रतिदान स्वरूप पवित्र होई देखाइबाकु हेबो। दुई नंबर पॉइंट, ड्रामार निर्धार्य अटल बोली जानी सदा निश्चित रहिबाकु हेबो। विनाश हेबा पूर्वरु समस्तंकु बाबांकर संदेश देबाकु हेबो। वरदान, एकमात्र बाबा शब्दर स्मृति द्वारा जोग एवं सेवारे रहुथिबा सच्चा जोगी एवं सच्चा सेवाधारी हुओ। तुम्हें पिला माने मुखरे बा मनरे बारंबार बाबा शब्द कहुछ। बाबांको संतान हेबा कारणरु बाबा शब्द मने पड़िबा बा चिंता करिबा एहा ही जोग अटे। एवं मुख द्वारा बारंबार कहिबा जे बाबा एभली करुछंती, बाबा ही एही कथा कहिछंती, एहा भी सेवा अटे। किंतु एही बाबा शब्द को केही आंतरिकता पूर्वक कहुछंती, आउ केहि ज्ञानयुक्त बुद्धि द्वारा कहउछंती। जेउ माने अंतरर सहित कहउछंती सेमानकु सदा सर्वदा आंतरिक खुशी एवं शक्तिर प्राप्त हेउछि। बुद्धिवालांकु कहिबा समय रे खुशी मिलिथाय, किंतु सदाकालर खुशी नुहे। स्लोगन,
परमात्मा रूपक ज्योति रूप से झास देउथिबा आत्मा ही सच्चा पतंग अटंती। ओम शांति।